आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बिस्किट की बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी। शायद इस रेसिपी को आज से पहले कभी नहीं ट्राई किया होगा, तो ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाना है इसके लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे बिस्कुट की बहुत ही नई रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है पार्ले बिस्किट। ये पार्ले का बड़ा पैकेट है, मेरे पास छोटा नहीं था, इतना बड़ा था। इसके अंदर चार पैकेट छोटे छोटे हैं। आप इस बिस्किट की जगह कोई और भी बिस्किट ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्रीम वाला बिस्किट ना लीजिएगा, क्रीम वाले बिस्किट से नहीं बन पाएगा अच्छा रेसिपी। तो सारे पैकेट को मैंने खोल कर निकाल लिया है, मैंने सिर्फ दो ही पैकेट लिया है। ये जो टूटे हुए बिस्किट हैं ये भी आगे काम में आ जाएंगे, इसे हमें स्किप नहीं करना है। तो चलते हैं अब गैस की तरफ। ये बहुत ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही शान से इसको इंजॉय करेंगे। तो हम गैस की तरफ आते हैं। मैंने एक पैन रखा है गैस पर, इसमें मैंने देसी घी डाला है एक कप भर के, और गैस को ऑन कर लिया है। घी हमारा मेल्ट हो चुका है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखिए। जब अच्छी तरीके से घी गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो अब इसमें मैंने जो पार्ले बिस्किट लिए थे सब एक एक करके इसमें डाल देती हूँ। जितने बिस्किट इसके अंदर आएंगे घी के अंदर, उतने ही बिस्किट डालने हैं। तो इतने बिस्किट आ चुके हैं, अब इसमें नहीं डालूंगी, इतना फ्राई कर लेती हूँ पहले। मैं इसको घी में ही फ्राई कीजिएगा, और भी हेल्दी रेसिपी बन जाएगी। एकदम लो टू मीडियम में ही करना है फ्राई, थोड़ा सा इसका कलर डार्क हो जाए। तो अब बिस्किट हम उलट पलट देते हैं, दूसरी साइड सेक लेते हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ सिक गई है, थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया है, तो कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। अब इसी तरह दूसरा बैच भी फ्राई करेंगे। तो दूसरा बैच भी हमारा एकदम कढ़ाई में आ गया है। गैस ऑफ हो गई थी, गैस को मैं ऑन कर लेती हूँ, और इसे भी दोनों साइड से सेकना है मुझे। अब इसे पलट देते हैं, एक साइड तो सिक चुका है, दूसरी साइड सेक लेते हैं। तो ये दोनों तरफ सिक चुकी हैं, बस इसे एक बार इसे इसी तरह उलट पलट करके निकाल लेंगे इसको भी। दोनों साइड से सिक गए हैं बिस्किट, मैंने इसको निकाल लिया है। ये देखिए प्लेट में अंदर रख लिया है मैंने, और इसको अब अच्छी तरीके से ठंडा करना है मुझे। तो मैं यहाँ पर लूँगी एक बाउल, अब इसमें 3-4 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है दूध थोड़ा सा, जो रेगुलर घर पे दूध आता है, बस 2 टेबल स्पून दूध डालना है, और गाढ़ा सा बैटर बनाना है घोल कर, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है इसको, गाढ़ा बैटर ही बनाना है। तो ये तैयार हो गया। तो वापस से हम दूसरा पैन रखेंगे। अब इसके अंदर हम 4 बड़ा चम्मच चीनी डालेंगे, मीठा आप अपने पसंद के अनुसार डालिए रखिए। तो यहाँ पर मैंने एक जरा सा आधा छोटा चम्मच पानी डाला इसके ऊपर, चीनी के ऊपर उतना ही पानी डालिए कि चीनी मेल्ट हो जाए बस। तो इसे हमें अच्छी तरीके से मेल्ट करना है। और इसमें फ्लेवर के लिए मैं इलायची का पाउडर डाल देती हूँ।
अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, वरना स्किप कीजिएगा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो अब यहाँ पर मैं जो मिल्क पाउडर घोल बनाई थी ये डाल देती हूँ, और इसे अच्छी तरीके से पकाना है एकदम गाढ़ा होने तक। तो अब दूसरी साइड हम देख लेते हैं, बिस्किट हमारी ठंडी हो चुकी है, इसे तोड़ लेती हूँ। बहुत ही खस्ता करारी बिस्किट तैयार हुई है फ्राई करके, इसे दो भाग में मैं तोड़ रही हूँ। आप चाहे तो इसको और भी बारीक कर सकते हैं। अब इसको मैं एक मिक्सी की जार में डालूंगी, और इसे पीस कर तैयार करूंगी। तो ये देखिए, मैंने इसमें पानी, घी, दूध कुछ भी नहीं डाला, ऐसे ही पीसा है, क्योंकि घी में फ्राई किया हुआ था इसलिए उसमें घी आ गया है। तो ये देखिए, दूध भी, इधर जो चाशनी वाला दूध था ये भी परफेक्ट हो चुका है, पक चुका है। तो इसके अंदर अब बिस्किट का मैं जो पीसी थी ये डाल देती हूँ। और अब गैस का फ्लेम लो टू मीडियम एकदम करना है, धीमी आंच पर इसे भुनना है एकदम मिक्स करते हुए अच्छी तरीके से। अगर हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये सौगी हो जाएगा और ये अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा। दोस्तों, हल्की हल्की आंच में इसे हमें पकाना है। यहाँ पर थोड़ा सा हम घी डाल देंगे, एक आधी छोटी चम्मच के करीब, पैन में जो चिपक रहा है, ताकि ये छूट जाए पूरे पैन से। इस रेसिपी को बनाएंगे तो बच्चे बड़े सब चट कर जाएंगे मिनटों में। बाहर से, बाजार से महंगी रेसिपी लाने की कोई जरूरत नहीं है। अक्सर आपके घर में बिस्किट पड़ी ही रहती है, तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। पार्ले बिस्किट नहीं तो दूसरा कोई बिस्किट, ध्यान दीजिएगा क्रीम का बिस्किट ना रहे। तो ये अच्छी तरीके से देखिए भुन चुका है, अभी पैन छोड़ने लगा है। आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं इस जगह पे। अब गैस को बंद करूंगी। यहाँ पर मैंने एक प्लेट लिया हुआ है, इसके ऊपर बटर पेपर रखेंगे और बटर के पेपर के ऊपर घी लगा लेते हैं, चारों तरफ से फैला देंगे घी को। अब जो मैं बिस्किट का बैटर रेडी करी थी, अब इसको मैं इस पर गिराऊंगी और इसे अच्छी तरीके से सेट करूंगी। इस स्पैचुला की सहायता से इसे सेट कर लीजिए। अभी बहुत गर्म है ये, तो ये गरम गरम में ही सेट हो जाएगा अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। अब ये अच्छे से सेट हो चुका है, अब मैं इसको रखूंगी एक घंटे के लिए रेस्ट पर, अच्छी तरीके से ये सेट हो जाए जिससे। तो एक घंटे हो चुके थे मैंने इसको रख दिए थे, तो इसे मैं पलट लेती हूँ प्लेट में, और ये जो फॉइल पेपर मैंने लगाए थे इसे निकाल लेती हूँ। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अच्छा लुक और अच्छा टेस्ट देने के लिए चांदी का वर्क लिया है, अब इसके ऊपर चिपका देती हूँ ये। आप यहाँ पर काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता काट करके गार्निश कर सकते हैं इसके ऊपर, जो खाने का स्वाद और बढ़ा दे। अब मैं इसको पीस में काट लेती हूँ। आज की बहुत ही मजेदार रेसिपी है। आपके घर में जब मेहमान आए, अगर मिठाई ना हो, बिस्किट अगर घर में पड़े हों,
तो फटाफट इस रेसिपी को बना लीजिए और मेहमान को खिला के भेजिए। मेहमान को पता ही नहीं चलेगा बिस्किट की ये मिठाई है। तो मैंने सारे पीस अलग कर लिए। अब मैं एक पीस आपको दिखाती हूँ कितनी मज़ेदार कितनी टेम्पटिंग मिठाई बनी है पार्ले बिस्किट से। सस्ती सी बिस्किट और महंगी सी मिठाई, मुंह में पानी आने वाला है दोस्तों। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं एक और रेसिपी में। बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा।